इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्वशीज कुकिंग एंड ब्लॉगिंग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेज चाउमीन की रेसिपी, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। साथ ही आज मैं इसे बनाऊंगी बिना सोया सॉस और विनेगर के, तो ये काफ़ी हेल्दी भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, चाउमीन बनाना स्टार्ट करते हैं। चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक भगोने में पानी ले लिया है और हम इस पानी को बॉईल कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और साथ ही 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डालने से नूडल्स आपस में चिपकते नहीं हैं और साथ ही बहुत ही खिले खिले बनते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी चाउमीन और हम चाउमीन को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने होल व्हीट नूडल्स का यूज़ किया है, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद के कोई भी नूडल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये रेसिपी स्पेशली बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर होल व्हीट नूडल्स का यूज़ किया है, ताकि वो हेल्दी भी रहे और टेस्टी भी। हम नूडल्स को फुल फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर चेक कर लूँगी कि नूडल्स बॉईल हुए हैं या नहीं। हमें यहाँ पे नूडल्स को 100% कुक नहीं करना है, मैं यहाँ पर नूडल्स को सिर्फ 80% ही कुक करूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, ये इजीली टूट रहा है, यानी कि नूडल बॉईल हो चुका है। इससे ज़्यादा हम नूडल को पकाएंगे तो नूडल्स बेकार हो जाएंगे। अब मैं चलनी की हेल्प से नूडल के पानी को निकाल दूंगी। और अब मैं यहाँ पर नूडल्स को ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लूंगी, ताकि नूडल से सारा स्टार्च निकल जाए और ये आपस में चिपके ना। मैंने नूडल्स को 4 से 5 बार अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं, जिसमें मैंने 2 टमाटो लिए हैं चॉप्ड किए हुए, साथ ही कैबेज और कैप्सिकम। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। अब मैं एक कढ़ाई में अप्रॉक्स 3 से 4 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालूंगी और ऑयल को गर्म होने दूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और जीरे को भूनने दूंगी। अब मैं यहाँ पर अपने चॉप्ड किए हुए टमाटर डाल दूंगी और इनको अच्छे से भून लूंगी। अब मैं यहाँ पर कुछ मसाले डालूंगी, जैसे कि सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, और इसके बाद मैं इसको अच्छे से भून लूंगी। हमें टमाटर को अच्छे से मैश होने तक भून लेना है। देखिए फ्रेंड्स, टमाटर अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर डालूंगी कैबेज और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। कैबेज को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूंगी और साथ ही अब मैं यहाँ पर डालूंगी कैप्सिकम और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैं वेजिटेबल्स को 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पका लूंगी, ताकि वेजिटेबल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम वेजिटेबल्स को खोल के देखते हैं और वेजिटेबल्स काफ़ी अच्छे से भुन चुकी हैं। हमें ज़्यादा सॉफ्ट वेजिटेबल्स नहीं करनी है, क्योंकि ये थोड़ी सी क्रंची ही अच्छी लगती हैं। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा टमाटो केचप डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर डालेंगे चाउमीन और अब मैं यहाँ पर एक फोक की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, चाउमीन अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी वेजिटेबल चाउमीन और अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चाउमीन बनकर तैयार है और अब मैं इसे ग्रीन चिली सॉस और टमाटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ।
तो तैयार है बच्चों के लिए टेस्टी एंड हेल्दी चाउमीन। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग।